दोस्तों मैं इनको ना सीधा पेट हाउस में उठा के ले जाता हूँ और फिर अपने सब पेट्स को खोलूंगा। पेट तो खुले पड़े हैं। पेट खुले पड़े हैं? हाँ जी भाई, मैं अभी पता नहीं किसने खोले हैं। मैं अभी अभी पेट हाउस में हूँ, किसने खोले हैं आगे देखो जरा। दोस्तों सफाई करनी थी मैंने और सब पेट्स अभी खुले पड़े हैं मेरे, किसने खोले होंगे पता नहीं किसने खोले। चलो दोस्तों पेट्स तो खुले पड़े हैं लेकिन हम ऐसे करते हैं अभी इनको डाइट नहीं डालेंगे, पहले सफाई करेंगे अच्छी तरह से पेट हाउस की और उसके बाद इनको डाइट डालेंगे। दोस्तों पिंजरे के ऊपर से तो मैंने सारी सफाई कर दी है, देखो कितना गंद निकला है। और अब बारी है इधर इस प्लाट की और उस प्लाट की। दोस्तों मैंने जल्दी काम खत्म करने के लिए उमर को बोल दिया है, वो इधर से करेगा और मैं करूंगा इधर से। दोस्तों वहाँ एक कबूतर आया बैठा है, मैं दाना लेके जाता हूँ इसको उतारने की पकड़ने की कोशिश करता हूँ। दिखा दिखा, मैं पेट हाउस की सफाई कर रहा था, मुझे अचानक नजर आया वो बैठा, वो बैठा है। दोस्तों छोटे मोर को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, इसको देख के ना वो उतर जाएगा। सुभान ऊपर कबूतर बैठा है यार, ऊपर जाओ के बैठ गया। दोस्तों पेट हाउस की सफाई तो अच्छे से हो गई है, आप गंद देखो कितना निकला, इतना गंद निकला है ना मैं क्या बताऊं। अब मैं ऐसा करता हूं सब अपने पेट्स को जल्दी से डाइट डाल देता हूं। ओ भाई मैं दे रहा हूं आपको, आपके लिए डाल रहा हूं सारी, यार ये ना सारी मुर्गियां पहले ऊपर आ जाती हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ। दोस्तों इन सबको तो डाल दिया, आपको पता है बादशाह अलहदा ही रहता है, इसको मैं इधर डालता हूँ। आ जा बादशाह, और ये रख देता हूँ कबूतरों के लिए। दोस्तों ये वाले कबूतर अभी सारे तंदुरुस्त हैं, इन कबूतरों की ना केज की मैं सफाई करूंगा, नीचे से बहुत ठंडा हुआ पड़ा है, थोड़ी सी ना भूसा वगैरह या पलाली वगैरह रख देंगे ताकि गर्म रहें। ओ भाई हर दफ़ा की तरह ना मैं पैरट्स को भी भूल गया हूँ। हाँ भाई दे रहा हूँ एक मिनट। दोस्तों दोबारा कबूतर आके बैठ गया उधर सामने, मैं तो कहता हूँ इसको दाना डालता हूँ। इसका इरादा है पढ़ाने का। ओ गया ओ गया ओ गया, इसका इरादा है, इधर उधर फिर रहा है, क्या पता आ जाए हमारे सेटअप में। इधर मैंने ना इनको इसी वजह से रखा हुआ है ताकि धूप आए इनके ऊपर। आओ भाई हमारे खूबसूरत ब्यूटीफुल कबूतरों के लिए भी डाइट आ गई है, खा लो। दोस्तों मैं इन पेट्स में से ना अपने असील छोटे बच्चों को देख रहा था, पता नहीं किधर चले गए, वो बाद में पता लगा वो बैठे हैं वो पीछे। यार ये बहुत बीमार लग रहे हैं, इनको पकड़ के ना केज में बंद करते हैं और इनको खाना देते हैं। ये बहुत ढीला हुआ पड़ा है दोस्तों, देखो कितना खूबसूरत है। ले चलो केज में अली, इसको ले चल, दाना डाल दो अली। चलो दोस्तों ये खुद दाना खाएंगे, हाँ खा रहे हैं। ये उधर छुप के बैठे थे, मैंने कहा पता नहीं किधर चले गए हैं। दोस्तों बादशाह आज फिर कबूतरों के डाइट पे डाका मारने आ गया, पता नहीं इसको नीचे इतना डाइट नजर नहीं आती, ये ऊपर बैठ के खाता है। दोस्तों जो कबूतर हमने कल दफनाया था ना वो बिल्ली ने निकाल लिया, पता नहीं किधर से उसको लेके जा रही है, वो देखो यार वो लेके अंदर घुस गई है। भागो भागो भागो। दोस्तों जो बार बार कबूतर इधर आके बैठ रहा है ना, हमने सोचा हम छुप के पीछे बैठ जाते हैं और जैसे ही वो आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। दोस्तों एक बंदे ने अपनी पोजीशन संभाल ली है और कबूतर अभी आता ही होगा। आ गया दोस्तों कबूतर आ गया। ओ यार उसको तो तरीका ही नहीं आया कबूतर पकड़ने का, वो उड़ भी गया उठा के, वो पता नहीं क्या खा के वो वहीं बैठा है। दोस्तों हमारे कबूतर ना वो ढीले हुए पड़े हैं, पहले तो ये बहुत उड़ते थे, अब उड़ नहीं रहे। एक को तो मैंने उड़ाया, अब इसको भी उड़ा देता हूँ। दोस्तों ये जो हमारी डव है ना इसकी मुकम्मल आंख बंद हो गई थी, हमने ना इसको दवाई दोबारा लगा रहे हैं। और इस डव का अभी तक पता नहीं लग सका इसको हुआ क्या था, कोई पता नहीं है हमें। मुझे लगता है सुभान कबूतर जो बंद किया था इसके साथ, उन्होंने इसके साथ ऐसा किया। हाँ सुभान सारे कबूतर ना ऊपर लेके जा रहा है और वहां से छोड़ेगा, देखो पेट हाउस में आते हैं या नहीं आते। दोस्तों कबूतर ऊपर पहुंच गए हैं, अब ये वहां से छोड़ेंगे। चलो भाई रेडी गो। अरे 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 ओ भाई सारे आ गए, इन सब के पर खुले पड़े हैं। दोस्तों आज बहुत ही गुड न्यूज है पड़ी और आज हमें एक और अंडा मिल गया है डक का, वो देखो ग्रेविट अंदर घुसा बैठा वो देखो। तो आज हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितने अंडे हो गए हैं और इस केज की भी सफाई करनी है हमने। पहले तो रैबिट को बाहर निकाला हमने, चलो भाई जाओ आप खेलो 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 जाओ खेलो। दोस्तों केज की सारी सफाई हो गई है और पोर्शन भी हमने बना दिए हैं एक दो,
और अंडे हमारे पास हैं बड़े टोटल 11। दोस्तों गोल्डन मुर्गी तो बहुत बीमार थी, अब काफ़ी चल फिर रही है और खा पी भी रही है, और इसके लिए मैंने दवाई ले लिया। इसको मैं जल्दी से दवाई खिलाता हूँ ताकि बहुत जल्दी हमारे सही हो सके और हमें अंडे दे सके आराम से। दोस्तों जल्दी से ना मैं अब इनको भी निकाल के दवाई खिला देता हूँ और इनको थोड़ा सा पानी वगैरह पिला दूँ। देखो कैसे बेचारे बैठे हैं, बीमार हुए पड़े हैं। अच्छा था दोस्तों, इनको भी हमने दवाई खिला दी है और अब ये पानी पी रहे हैं, और इनको दोबारा केज में हम बंद करेंगे ताकि और मुर्गियों को ये हमारी बीमार ना कर सके। आज हम अपने फ्रिल बैक वाइट कबूतरों को ना आजाद छोड़ने वाले हैं, देखते हैं उड़े ना आराम से और एहतियात से इनको निकालते हैं। फर्स्ट टाइम ये हमारी केज से निकल रहे हैं और ये आजाद फिरेंगे हमारे पेट हाउस में। ये मेरा फेवरेट कबूतर है, देखो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है बड़ा। दोस्तों हमारे फ्रिल बैक वाइट इतने शरीफ है ना, इनको जैसे बैठाओ वैसे बैठ जाते हैं। ये देखो काफी देर से ना मेरे कंधों पे बैठे हैं। तो हमारे पेट हाउस में क्या आ गया, ओ हो आप हैरान हो जाओगे देख के। ओ भाई क्या से दोस्तों कितना खूबसूरत है, गाय का बेबी है बड़ा। कल वाला अगर आपने व्लॉग देखा होगा, मैं फार्म हाउस गया था, मैंने उधर इसको देखा था और मैंने उनको कहा था आपने मुझे गाय का ये बच्चा भेजो पेट हाउस के लिए, तो मैं देखता हूँ अगर इधर खड़ता है तो ठीक, नहीं तो वापसी भेज दूंगा। इसको ना दाना ही खिला रहा हूँ कबूतरों वाला, क्योंकि घास अभी है नहीं अवेलेबल हमारे पास। आ जाओ, और ये है भी बड़ा छिट्टा। सौरव नीचे गिराई जाओ, तेरी आधे से ज्यादा नीचे गिरा दिया, अब नीचे से खा रहा है। और अभी ऐसे करते हैं इसको पेट हाउस में ले जाते हैं, देखते हैं ये क्या रिएक्शन रहता है इसका। आराम से पेट हाउस में ले जाओ, आराम से चला गया पेट हाउस में। पेट हाउस में आ गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, पहली दफा मैंने पकड़ा है। मैं तो कहता हूँ इसको वापसी भेज देते हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। दोस्तों इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है भाई, वापसी भेजते हैं हम इसको। बांधो समझा था इसको इजी पेट हाउस में रख देंगे, लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं हो रही हम सब से, क्या करें। ओए आराम से रुक, ओ यार बांधो यार, पकड़ो ओ भाई, पकड़ो मारेगी, पकड़ो। दोस्तों बांधी नहीं जा रही, हम फुल जोर लगा रहे हैं सब। मैं बहुत खुशी से मैंने कहा था पेट हाउस में रह सकेगी, ये हमारा काम नहीं है इसको कंट्रोल करना, हालत खराब हो गई, मुझे सांस चढ़ गया बहुत ज्यादा। तो फाइनली इसको हमने बांध दिया है। दोबारा हमें पेट हाउस में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, फार्म हाउस भेजो यार, यहाँ बचे हमारे सारे पेट्स डर गए थे। और हाँ दोस्तों ये गत्ता आया हुआ है, एक भाई ने कॉमेंट किया था आपने अपने सारे केज के अंदर ना ये नीचे ये बिछा दो, बीमार पेट्स नहीं होंगे। और आज मैंने ये मंगवा लिया है, और हमारा अगला काम ये है इसको हम सारे केज के अंदर रखेंगे। दोस्तों मैंने डिसाइड ये किया है इसको हम ना वापसी फार्म हाउस भेज देते हैं, ये यहाँ रहने की नहीं है। देखो यार ये हर पेट्स को डरा रही है, मुझे तो बहुत डर लगता है इसे, इसे हम वापसी भेज रहे हैं। मैंने बहुत दिल से मंगवाई थी, वापसी भेजने का दिल तो नहीं था, लेकिन नहीं रख सकते भाई, डेंजरस बहुत है। दोस्तों अभी तो चली गई है, जब मैं 2-3 दिन बाद फार्म हाउस जाऊंगा ना तब उसे मिलेंगे। दोस्तों आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, आज मैंने ना दाने के लिए ये बॉक्स मंगवा लिया, ये वाला कितना अच्छा है बड़ा, इसके ऊपर कवर को के हम सारा अपनी डाइट इसी के अंदर रखा करेंगे। अभी हमारे पेट्स फिलहाल खा रहे हैं, इनको खाने दो, और हम ये काम करते हैं जो हमारे पास वो आया पड़ा ना गत्ता, उस सारे पिंजरों के ना अंदर रख देते। दोस्तों केज की सफाई स्टार्ट हो गई है, पहले तो हम यहाँ से गंद निकालेंगे और उसके बाद हम ये जो गत्ता है ना ये इसके अंदर फुल रख देंगे। गत्ता काफी अच्छे से आ गया दोस्तों, अंदर से तो हमारा केज काफी बन गया है, और सिर्फ अब इसके अंदर ना हमने पलाली रखनी है और ये कंप्लीट है। दोस्तों आप बताओ हमारे कबूतरों की जगह आपको कैसे लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई है, हमारा इसका काम तो मुकम्मल हो गया है, और अब इंशाल्लाह हमारे कबूतर नहीं मरेंगे। दोस्तों जितनी सफाई पेट हाउस की करो दोबारा गंद मच जाता है, अब सुबह ही करूंगा मैं, अब मेरे अंदर हिम्मत खत्म है, और अब मैं जल्दी से अपने सब पेट्स को बंद करता हूँ। मेरे कजन से एक रैबिट नहीं पकड़ा जा रहा, इधर कर, वो बैठा नीचे बैठा, नीचे बैठा है, पकड़ लिया, हो गया। दोस्तों इसको मैं ही पकड़ूंगा, पकड़ ले। 5-10 मिनट की मेहनत के बाद हमारे हाथ में आया है, इसको टोकरी में रख दे, थक गया। अब ये भी इनके साथ ना टर्की बर्ड वाले हाउस में जाएगा, ले जाओ आराम से साइड पे छोड़ दो। दोस्तों सब पेट्स ना अपने अपने केज में चले गए हैं और आराम से सो रहे हैं। और दोस्तों आज का व्लॉग भी यही एंड करते हैं, बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना,
जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर आप बढ़वाएं, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो मैं आपको ना बाद में 5K के बाद मैंने आपको बोला था बताऊंगा, तो वो क्या पड़ा पता लग जाएगा आपको। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।